बाबा कहाँ है अम्मी जान? शको शुबा से दूर रहो आईकुल, दस्तरखान लगाओ, आ जाएंगे बाबा। बाबा हुजूर, आप ठीक तो हैं हुजूर? उस्मान, उस्मान ने बालगाय के ठिकाने पर हमला किया। वो मुझे और बतूर को कत्ल करना चाहता था, सब सिपाहियों को मार दिया। बतूर कहाँ है दुंदार साहब? उस्मान बतूर के पीछे लगा है। हमने सिपाहियों के साथ मिलकर हर जगह देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मेरा बेटा, मुझे यकीन है उस्मान जरूर अपने भाई की तलाश में गया होगा। गुंदूस को अगवा करके उसके सिपाहियों को कत्ल करने वाले के तुम संजाग सरदार हो, और फिर उस्मान से उसके भाई को मारने का हिसाब भी करते हो। बहुत हो गया, फौरन निकल जाओ हमारे खेमे से खातून, फौरन। ये खेमा तुम्हारा कब से हो गया जहरा खातून? सलजान खातून, इससे पहले कि आपको कोई नुकसान पहुंचे, चली जाइए यहाँ से। पहले वाला खातून और अब गुंदूस, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे खेमे की दीवारों के भी कान हैं? तुम जो बात करते हो वो इस खेमे से बाहर नहीं जाती होगी क्या? ये अपने पंख खोलकर बालगाय के कानों तक उड़ती जाती है। आपके कहने का मतलब क्या है? जो कहना है खुलकर कहें। जो मैं कहना चाह रही हूँ वो वाजे है। आयशा खातून अपने खेमे में नहीं है, ये बताने आई थी मैं। अब मैं समझ गई हूँ कि उस्मान आयशा खातून को गुंदूस के पास क्यों ले गया। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। जान लो हमारे बहुत से सिपाहियों के खून का हिसाब उस्मान से नहीं बल्कि तुमसे लेने का लम्हा नजदीक से नजदीक तर आ रहा है, याद रखो। मुझ पे हाथ उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। खातून, दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो जाए, दफा हो जाए। हमारा कबीला और रिवायात दोनों हमें अजीज है। ये मत समझना कि जो गए हैं वो वापस नहीं आएंगे दुंदार। जो चले गए और जो यहाँ रह गए वो चौकन्ने होकर इंतजार में हैं। साल्तुक, फौरी तौर पर सिपाहियों को तैयार करो, हम बतूर साहब को तलाश करने जा रहे हैं। उस्मान को मारे बगैर कोई वापस नहीं आएगा। जैसा आपका हुक्म हुजूर।